मुंबई, ये पानी का समंदर है या चेहरों का समंदर, ये समंदर का शहर है या शहरों का समंदर। भीड़ में लहर की हर कतरा अकेला है, सबको अपना के भी शहर ये सौतेला है। कहीं घर का रास्ता है तो कहीं रास्ता ही घर। हर रंग, हर खुशबू, हर तरह के सपने, कुछ बेजुबान से सपने, कुछ बेवजह से सपने। कीमत अदा करो तो हर सपना हकीकत है कितना जरूरी और कितने की जरूरत है। सपनों को अपना कर लो, अपने ना सपने हो पर ये सपनों का समंदर है और अपनों का समंदर। ये सफर एक परिवार का, जहां सपना है, जहां ऊंचाई को छूने की चाहत है, जहां रिश्तों को बंधे रखने के संस्कार और अनुभूति है, और सबसे ऊपर प्यार। यस याकूब, कम ऑन, परफेक्ट। रीत, रीत। यस। कल मैंने फिर से नापा था। ओके। नो बैलेंस बिटवीन माय वेस्ट एंड चेस्ट। इनफैक्ट योर एक्सरसाइज इज फुल्ली वेस्ट। यू गिव एडवर्टाइजमेंट, मोटापा क्विटिनिया। यू गिव गारंटी, जीरो फिगर इन 15 डेज। पर अब क्या कर दिया? अब तो मैं माइनस में चल रहा हूँ। लिसन अनन्या, नो, यू लिसन। मेरा महंगा जारा का ड्रेस ना, नॉट इन यूज। हस्बैंड का इंटरेस्ट भी फ्यूज। लिसन, नो, आई एम गोइंग अदर जिम, यू कट माय मेंबरशिप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी परफेक्ट फिगर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इनफैक्ट कतरीना को 11 मंथ्स लगा था और करीना को तो 12 मंथ्स लगा था। मैं ऐसा करता हूँ, आपको वेट गेन प्रोग्राम में शिफ्ट करता हूँ। ओके ओके, लास्ट चांस, बट प्लीज वर्क हार्ड ऑन मी फ्रॉम द टॉप ना। टॉप? কাজিরঙাত পুনৰ গড় হত্যা হত্যা কৰি খৰ্গ কাটি নিলে চোৰাং চিকাৰী
কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগ্ৰাকলি বনাঞ্চলত মুৱামাৰী বনশিবিৰ এলেকাত শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় 7:30 সংঘটিত হয় এই ঘটনা। শিবিৰৰ সমীপতে তিনিজাই গুলীৰে গড়টো হত্যা কৰে চোৰাং চিকাৰী। পুৱা গুলীৰ শব্দ শুনি বনকৰ্মীয়ে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে চোৰাং চিকাৰীয়ে গড়টোৰ খৰ্গ কাটি লৈ উদ্ধাৰ কৰে। পিছত বনকৰ্মীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা চিকাৰীৰ টুকুৰা राजीव ओ की होल क्या हुआ? लगता है मेरा बैकबोन ट्विस्ट हो गया। अच्छा, थोड़ा मूव लगा लो ना डार्लिंग, प्लीज। नो 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 नो, उस दिन मैंने टीवी पे देखा था, वो है ना वो करीना कपूर, वो कह रही थी कि जिम में जो पेन बर्दाश्त करते हैं ना उन्हीं की चर्बी कम होती है, उन्हीं का फिगर जीरो हो जाता है। बट वो ये भी कह रही थी कि अगर ओवरडू करो ना तो फेंट भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा देखो ना मेरे हिप्स में कोई चर्बी बचा है कि नहीं। वो तो स्लिम और ट्रिम तो तुम हो गई हो पहले से, 5 साल उम्र भी कम हो गई है। इनफैक्ट बेबी, जब से तुम जिम जा रही हो ना, यू आर लुकिंग वेरी हॉट। झूठे आदमी कभी सच नहीं बोलता, वाइफ से तो कभी नहीं। पता है, तुम ना भगवान की सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन हो, गॉड्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन। राजीव हेल्प ना प्लीज, गॉड हेल्प यू। आओ, कम कम, उठो, सच में बहुत दर्द हो रहा है। ये ऐसे क्यों है? ओह, व्हाट शुड आई डू टुडे? जिम? नहीं हुआ, नहीं हुआ। राजीव, सॉरी है कोई? सॉरी सॉरी, सुनो FB पे अपडेट क्या दूं? कोई ढासू सा लाइन बताओ ना। लिखो, मुझे सुबह सुबह और कोई काम नहीं है। गवार। बेबी बेबी, हटो भी। क्या हुआ? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बात करने को कौन कह रहा है? छोड़ो, नाश्ता मैं बनाऊं? हाँ, किसी को बटर टोस्ट चाहिए, किसी को पास्ता, फिर टिफिन मैं बनाऊं। चैन से बाथरूम में बैठ नहीं पाती हूँ, कभी नहाने जाती हूँ तो ब्रश करना भूल जाती हूँ, भागते भागते भीड़ भरी बस में खड़े खड़े ऑफिस जाती हूँ, फिर दिन भर लोगों का ट्रिंग ट्रिंग सुनना पड़ता है। ये नहीं कि जरा हेल्प करो। सुनो सुनो बेबी, तुम सच में बहुत काम करती हो, सारे घर का काम करती हो, जिम जाती हो, एरोबिक्स, डांस क्लासेस, और वो फेसबुक अपडेट भी करती हो। तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम्हें पता है इस सब मेहनत की वजह से ही ना तुम अभी भी 20-22 की लगती हो। कम है, छोड़ो भी, God, it is already happening, 7:30। तो कब से कह रहा हूं ना जॉब छोड़ दो यार, 2 घंटे तुम सुबह लगा के जाती हो, 2 घंटे तुम रात को लगा के आती हो, क्या फायदा 10 घंटे की तुम्हारी वहां पे ड्यूटी रहती है? ये भी कोई जीना है साला, क्या कर रही है? अच्छा, जॉब से मैं अपना घर का खर्चा तो निकाल लेती हूँ ना। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कहा था, आई एम ए इंडिपेंडेंट गर्ल, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं नई कार की सेविंग भी कर रही हूँ। जैसे ही 2 लाख आ जाएंगे मैं बड़ी कार लूंगी। 2 लाख में बड़ी कार लूंगी? कैसे? बैंक से कार लोन लूंगी, सारी फ्रेंड्स ने ऐसे ही बड़ी कार ली है, और हमारे पास क्या है, नन्नी सी छोटी सी मुन्नी सी कार। हाँ, because I know my limitations, that's why। इसीलिए तुमने इस न्यूज़पेपर पे लाल पेन के साथ गोल गोल निशान लगा रखा है। हाँ, 1 BHK रेडी सैंपल फ्लैट, और तुम्हारा ये रेड पेन फ्लैट देखते देखते हम वासी से विरार चले गए। मुझे तो डर है कहीं गोलाघाट नहीं पहुंच जाए। But listen, मैं गोरेगांव से एक स्टेशन पीछे नहीं जाऊंगी। बाकी बाकी
कूद जाए जुनी बाके काम सोर इतनी नींद क्यों आती है हाँ हाँ बर्तन मांजते मांजते झाड़ू पोछा करते करते तू कहीं भी सो जाती है सुबह सुबह मुझे टेंशन क्यों देती है तू ये बड़ा सिटी है तुम्हारा मिसिंग विलेज नहीं टेंशन ना देने का ना लेने का क्या टेंशन तो आपने ही बेसी दिए क्या बोला सर राजीव तुम इसको संभालो मैं थक गया इससे बाकी 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 इधर आओ बदमाश बाइकियों को क्यों तुम परेशान करती हो बदमाश ऐसा करते हैं क्या बदमाश ऐसा करते हैं क्या अरे इतना जोर से मत मारो नहीं नहीं बहुत बदमाश हो गई है बदमाश चलो काम करो कुहू बेटा वो मेरा बच्चा मेरी गुजी गुजी गुमी 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 कुही आप तो उठ गए गुड मॉर्निंग बेबी उठो सोने दो ना पापा अरे मॉर्निंग हो गया अभी हम लोग क्या करेंगे मिल्क पिएंगे और बोर्विता खाएंगे उससे क्या होगा एनर्जी आएगी उससे क्या होगा हम दोनों जाके क्या करेंगे एक्सरसाइज पता कैसे करेंगे हैया हो हैया हो हैया हो हैया हो अत्री ओ कोई उतरो बेटू अरे बाकी इसको उतारो मेरे से नहीं हो रहा पीठ में दर्द हो रही है बदमाशी क्यों कर रही सो बाकी तू उससे अखमिया में क्यों बात करती है व्हाई वो अपने मदर टंग में बात करती है उसमें क्या प्रॉब्लम है नो इंग्लिश हिंदी सीख जाए बहुत है अखमिया तो वो कभी भी सीख सकती है इतनी सी बच्ची है तीन तीन लैंग्वेजेस सिखाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी ना कोई ना ड्रिंक क्विक आई हैव टू गो ऑफिस फास्ट फास्ट आई डोंट हैव टाइम गुड गर्ल यस गुड गुड माँ देवदा ऑफिस में जाएंगे हम खेलेंगे बेटा आई टोल्ड यू से मम्मी नॉट माँ से माँ राजीव उसे बिगाड़ो मत यहाँ गाय की तरह माँ बा नहीं चलेगा बेटा प्लीज कॉल मी मम्मी और मम्मा ओके ओके मम्मी जी ओके मम्मी जी बट ये याद रखना वो मुझे डेटा बुलाएगी नो डैडी नो पापा एंड नो पॉप्स ओके डेटा जी तुम्हें मुंबई का लाइफस्टाइल पसंद नहीं तो जाओ जाकर गांव में रहो ना पाखी पाखी ए पाखी क्या कर रही है तू इतनी देर से बाथरूम में जाओ अपना काम खत्म करो और देखो कुही का ख्याल रखना बिल्कुल मस्तीबाजी नहीं समझी कुही वही सुबह वही शाम है वही चेहरे वही नाम है वही धड़कन वही राशनी भी अल्लाह यही यही राम है फिर भी क्यों अजनबी फिर मैं क्यों मैं नहीं फिर है क्यों ये मका घर नहीं सौतेला सा ये शहर सौतेला है ये मगर सौतेला शहर सौतेला शहर
आएगी भाई भाई मेरी आइटम तुम्हारी आएगी आइटम भाई 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 हाँ भाई ये केला मुंह में छिलका सड़क पे अच्छा लगता है क्या तो ये चले अंग्रेजी कबूतर जितनी तेरी उम्र ना बंटा है उतनी मेरी कमर है चले चल 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 समझा है चल अबे निकल 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 म्युनिसिपैलिटी ये है कौन भाई चल चल हवा आने दे चल सौतेला शहर सौतेला शहर हेलो अनन्या हियर हु इज दैट साइड राखी मैं तेजपुर पर कैसू बंदोरी Oh my God! I am not see the phone रे. You know I am very busy. I can't breathe. की? Heart problem? Asthma? मुंबई की धुएं से हो रहा होगा रे? No. Don't misunderstand रे. मेरा मतलब है कि ऑफिस में सांस लेने का फुर्सत ही नहीं. वैसे क्या जॉब है रे तेरा ऑफिस में? Many jobs. I am project director of this big marketing company, DH Faluda. 15 people work under my hand and 10 under my feet. I come to office driving with my car and I am very busy, re. Kikoli? No, tumko nahi. Baap re, tu bhagya hosai bhal. Mumbai jaise mahanagar mein flat, bari car, project director ki naukri. It is all God's blessings, you know. बर्ना 12 लाख पर अनम का पैकेज किसको मिलता है इतनी जल्दी राखी आई विल बाद में स्पीक टू ओके समबडी इज कमिंग फ्रॉम यूएसए ओके बाय सर ने बुलाया है तुझे याद है हम जब स्कूल में थे कैसे रोज इंग्लिश के लिए शर्मा सर से चटक चटक थप्पड़ खाया था अब देख उसका हाई फाई इंग्लिश लेकिन वो ना ग्रामेटिकली रॉन्ग इंग्लिश बोल रहा था अरे बुद्धू सिटी के लोग ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते अच्छा पॉलिटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं समझे और उसने तो कमाल ही कर दिया यार हाँ 1,00,000 रुपए महीने का नौकरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाँ एनोटेड टीचर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सी फॉर कैट गुड मॉर्निंग मैडम कम इन Yes, sir. Ananya, this is an office. I've been watching you constantly on your phone, playing games and on Facebook. WhatsApp pe chat karti rehti ho. Aur complain hai ki tum rude ho. Ek receptionist ho. You should have a smile on your face. You better get your act together. Varna Mumbai shehar mein bahut sari receptionists hai jinko kaam ki zarurat hai. Sorry, sir. I not doing these things again from today. For God's sake, speak correct English. Nobody in this office speaks incorrect English. We have a certain standard. और अगर नहीं बनती वन टू ज्वाइन सम क्लासेस लर्न इंग्लिश इन 15 डेज गो नाउ सॉरी सर अनु सुन करण का फोन आया था उसके यहाँ पार्टी है इनवाइट किया चलेगी पार्टी मगर हम जाएंगे कैसे सुनो ना तुम किसी फ्रेंड से एक लंबी कार मांग सकते हो ड्राइवर के साथ उफ अनु प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन यार तुमने क्या शो ऑफ ही करना है ना कैंसिल द पार्टी
मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें हर चीज बिग चाहिए, बिग हाउस, बिग कार। ओके बाबा, हम नन्नी सी छोटी सी मुन्नी सी कार में ही जाएंगे। पर अनु, हम तभी जाएंगे इफ यू प्रॉमिस मी वन थिंग, यू वोंट ड्रिंक। आई स्वेयर। बट लिसन राजीव, इट इज नॉट जस्टिस फॉर वुमेन कोल्ड ड्रिंक एंड मेन हॉट ड्रिंक। हेलो, ओ माय गॉड, आईब्रोज। अब क्या हुआ? I just call back. क्यों नू? राजीव, एक ना छोटा सा रिक्वेस्ट है, इनकार मत करना। मुझे लिंडास ब्यूटी पार्लर से पिक करोगे डार्लिंग? मुझे वहाँ फेसियल करवाना है, फिर ओबरॉय मॉल से ड्रेस भी ले लूँगी। ओके डार्लिंग। दारू तो स्टार्ट कर दे यार। अरे दो मिनट रुको यार, राजीव आता ही होगा। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मैंने बोला था ना शादी में खाने के लिए, अभी नो डिस्टर्ब। ओके मैं देती हूँ, कम विद मी। उधर पास करो, मैं तो नहीं खाऊंगा। क्या यार, हमेशा लेट करता है। आ भाई भाई आप बताओ किसको क्या चाहिए? राजीव इज या विस्की? विस्की राजीव, विस्की विस्की विस्की। यार मैं आज कुछ नहीं पीऊंगा, मैं बस आप यार नॉट फेयर राजीव यार, आज तो इसे पीनी पड़ेगी। राजीव थोड़ी बोल लेना, थोड़ा थोड़ा तो चलती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे गाड़ी चला के घर वापस जाना है यार। जाके करेगा क्या जानी, आज तो पूरी रात पार्टी होनी है। भाभी जी बिलाव राइट, एक ड्रिंक तो आप ले ही सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको थोड़ी ना गाड़ी चलानी है। नहीं 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 नहीं, शी डजंट ड्रिंक, वो पीती नहीं है। क्यों, आज हमारे साथ तो थोड़ा ले ही सकती है ना। नहीं नहीं नहीं, सिंगापुरियन शैंपेन तो ले सकती है भाभी। सिंगापुरियन इज ग्रेट। I've never tasted that. Tasted today? हाँ, exactly. आप लोग कह रहे हैं तो एक very very small peg. Yes. करन करन. भाभी जी के लिए एक बढ़िया सा शैंपेन का पटियाला. नहीं नहीं, पटियाली पैक बनाना. आज भाभी जी के नाम पे cheers कर लेंगे. क्यों? आजी. Anyways, भाभी जी is anyways so hot. I mean, बिंदास. मैं क्या कह रहा था? हाँ. भाभी. यार राजीव तू कितना boring आदमी है. Office में serious, घर पे serious. यहाँ पे भी सीरियस 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 लाइक अ डोंकी। हमारे साथ दारू के दो पैक लगा ले और मंकी बन जा मेरी जान। बाबा जी वो भ्रम बन गया क्या? चलो यार चीयर्स करते हैं। चीयर्स पार्टी टुनाइट चीयर्स। नहीं यार जूस दे। चीयर्स। बाहर जाके बैठो ना। क्या है ना कि सॉरी गाइस ओए चिंकी, चले झाड़ू ले गया और ये सब साफ कर। अरे रहने दे यार, नहीं, क्या कर रहे? नहीं नहीं, बाकी तू वही रहे। हाँ तू वही रहे बेटा, मैं साफ कर देता है। अरे अरे जी सू कर। लिमिट आई विल कॉल समवन। अरे भाभी जी मुझे ने तुम्हारो हाथ खराब થઈ જશે भाभी जी। अरे भाभी जी बेटी ओए राजीव, इसको कहां से उठा के लाया? नेपाल से? नेपाल से नहीं, चाइना से लेकर आया हूं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? यार आई एम ड्रंक, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं होश में नहीं। ओके चाइना, डू आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग? ओके देन लर्न हाउ टू स्टे विद इन योर लिमिटेशंस, अंडरस्टैंड? अरे यार तू गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं नेपाल बोल रहा हूं तो तू चाइना पहुंच गया। यार दूसरा कंट्री में घुसेगा ना तो वॉर छिड़ जाएगा। वॉर मैं नहीं घुस रहा हूं, तू घुस रहा है समझे?
मैप आता है ना, चाइना का है, अरुणाचल का है, शिलोंग का है। बात करता मोटा भाई देखो, ज्योग्राफी जो है ना, ये मैं गुजरात में छोड़ के आ गया। मुंबई में ना सिर्फ इकोनॉमिक्स और रोकड़ा चलता है। तभी तू एक स्मार्ट का ना पनीर मैनेजर बन के रह गया, लेकिन जो तेरा दिमाग है ना, एक सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे से भी सब स्टैंडर्ड है। इसका तो ये भी पता नहीं कि नेपाल इज अ सेपरेट कंट्री। राजीव कंट्रोल तो छोड़ो यार, इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज आइडेंटिटी। बाकी नेपाल से नहीं है, वो चाइना से नहीं है, वो असम की रहने वाली है और असम हिंदुस्तान में है। अरे रहने दो, और उसको नेपाली और चिंकी मत बोलो, हिंदुस्तानी है वो। अनन्या, इसकी वजह से ना, इस जैसे लोगों की वजह से ना, हम जैसे नॉर्थ ईस्ट लोगों को लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। As if Assam is a foreign country. और ये बाकी ना, ये तुझे बताएगी तू किधर कैसे। सॉरी करण। राजीव, हैप्पी। अरे रुकना यार राजीव, सुनना राजीव। राजीव कैसी बातें करता है यार, हमेशा हाँ। लड़ाई वाली। सॉरी गाइस, राजीव ना वो बचपन से ही ऐसा है। इट्स ओके। लेकिन कोई पाकी को कुछ नहीं कह सकता, शी इज अ फैमिली मेंबर। चलो बेटा। कोही यार एक ड्रिंक बना दोगे मेरे लिए? कोई क्या ड्रिंक? मेरे राजीव को इतना गुस्सा क्यों आता है पता है? तुमने आज पार्टी में मेरी कितनी बार नाक कटाई हैं? But anyway, thanks to you. Thank you. झूठे, नाक तो है। And if your nose is cutted, then why you are saying thank you? Please clear. I'm little confused. Little confused? No way. You're highly confused. Highly confused. पाकी दीदी, नीचे चलो ना खेलने। ना ना नीचे नहीं, हम लोग गोलाघाट जाएंगे। पता है कैसे जाएंगे? ऐसे हवाई जहाज से जाएंगे, ऐसे। किसने फेंका रही है? ए बोल दे ना, बोल दे चिंकी। क्या बोला? नहीं दूंगी, और मैं चिंकी नहीं हूँ। देना देना, कांच टूट जाता तो। सॉरी सॉरी, देना देना, देना प्लीज। बोल के लिए ऊपर आना पड़ेगा। चलो 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 चलो। शांत 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 हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ सब। झगड़ा लड़ाई नहीं करने का। चलो बैठो, यहाँ पे बैठो, हम लोग मिलके एक गेम खेलते हैं। कौन सा? कौन सा गेम? राजा रानी। एक थी नन्ही मुन्नी चिड़िया, थोड़ी नट्टी सी, प्यारी प्यारी उसकी दुनिया थी हाँ छोटी सी। एक थी रानी एक था राजा, ऊंचा उनका नाम, चिड़िया के माँ बाबा करते उनका सारा काम। कभी राजे महल में, कभी चाय के बागा में गाते रहते, तर्रम पम 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 पम। माँ की थी वो लाडली, दीता कानों पर पली। दीता? दीता क्या होता है? अरे दीता का मतलब है पापा। थोड़ी नाटी सी, प्यारी प्यारी उसकी दुनिया थी हाँ छोटी सी। हंसते गाते उड़े वो माते ताकी, प्यारी वो चुंदरी मुंदरी थी, पर थी एटम बम। अरे फिर क्या हुआ? फिर दिन सुबह जैसे बोली ना, उसके बाबा ने आँखें ही खोली ना। वो बोली बाबा कहना मैं मानूंगी तेरा, एक बार बोलो ये तो जरा उड़ी जा।
दिन राजा माँ से बोला इसे परदेस जाना ही होगा, कि मानी जतन कहीं फिर भी राजा तो हाँ राजा था जी माँ तो रो रो के हो चाहे जो रखना तू ना उड़े जा उड़े जा उड़े जा उड़े जा। देखो बिल्कुल नया बना दूंगा फेविकॉल से। रोना मत ना कोई, राजा रानी लोग रोते नहीं है। भाई देखो कुछ मत बताना हाँ ठीक है। मम्मी दीदा को ना माँ तोड़ने के बारे में कुछ मत बताना, मैं इसे चिपका के बिल्कुल नया बना दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा ओके। राजीव राजीव क्या हुआ? इधर आओ ना प्लीज। क्या हुआ? सुनो एक मेरे लिए ट्विटर अकाउंट खोलोगे? अब मेरी डार्लिंग ट्वीट ट्वीट करेगी? गवार। ठहरो अभी आया। माँ मालूम है आप जाने के बाद हम कुछ नहीं टच करते। अच्छा? माँ वो तो ऑर्गन भी टच नहीं करते। क्या बोला? What are you talking? खाली जुनी है। पाकी ने उसको नहीं तोड़ा, मैं सच बोल रही हूँ। उसने कुछ नहीं किया। पाखी कहाँ है? पाखी उसने कुछ नहीं किया। क्या तोड़ा तूने? राजीव राजीव तुम बाथरूम में हो? अरे क्या हुआ, मैं यहाँ बैठा हूँ, व्हाट हैपेंड? राजीव प्लीज। कल खाया था ना तुमने वहां पे ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट में ठूस ठूस के चिकन टिक्का, अब 700 रुपए का खा गई थी, थोड़ी देर और पेट में रहने दो उसको, मेरा थोड़ा पैसा वसूल होगा, मुझे आराम से बैठने दो। अन अर्जन अर्जन तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, चलो चलो बाहर चलो। चिकन टिक्का डिनर टूट से पैकाने लगे से। अरे देता? हाँ देता भले आसे। हाँ हाँ देता, हम सोच रहे थे, मैं अजू से बात कर लेता हूँ, फिर आपको डेट बताऊंगा।
अनु सुन, देता का फोन आया था। इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि जब से कुई पैदा हुई है तब से हम लोग गुलाघाट गए ही नहीं, कुई को देखने जाते हैं। बोल चलें। प्लैनेट ना, मुझसे पूछ रहे हो जैसे जो मैं कहूंगी मान लोगे। Why are you getting irritated? हाँ? भाई मेरी जॉब है, तुम्हारी जॉब है, We just have to plan accordingly, that's all. वो सब तो ठीक है, पर कुई की स्कूलिंग के बारे में सोचना चाहिए ना। अब आसाम जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुई की स्कूलिंग है। You never thinking about that. मैंने स्कूल विजिट कर ली है। तुमने स्कूल विजिट किया? और मुझे बताया नहीं? इम्पोर्टेंट डिसीशंस में तुम हमेशा मुझे शिफ्ट डिलीट करते हो। देखो अनु, तुम बिजी रहती हो, घर का काम करती हो, जॉब भी करती हो, और बीच बीच में वो फेसबुक अपडेट्स भी करती हो ना, है ना? इतनी बिजी रहती हो कि मैंने सोचा मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना ही करूं। अच्छा एनीवे, अब तुम सोच के बता दो कि हम लोग असम जाएंगे या नहीं जाएंगे, जस्ट लेट मी नो। दादा मुझे भी ले चलोगे ना? देखो देखो कोठिया पर आए ना है, एर धान से पावर होले। और ग्लास नींबू पानी लाओ क्या? क्या बोली तू? चल 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 चल, कहूँ हम गुलाघाट जाएंगे, ये। समझा तुम्हारा स्टेटस अनु। अरे देता माँ। देवता कुही अखमिया नहीं समझती, उसे हिंदी में बात करो। अरे बेटू Not Coca-Cola, that's a Coca. She's your aita. इनके साथ रहोगे तभी तो अहमिया सीखोगे। जाओ, जाओ। राजीव, राजीव, don't pressurize on child's head. Kuhi will understand automatically. Come, Kuhi. बोला, बोला। भीतर ले बोला। आ, तो युवा। बोला। किन्हुए हिंदी इंग्रजी विलक्ष शिकायत हो। अहमिया रो तो क्या शिकुआ होले वो? देता। आ, जा, 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 भीतर ले जा। Coca भालने? माँ को ता से? ओ, इमान डांगोर होली गे। ব্রহ্মপুত্রত পানী বাঢ়িছে নহয়, মই তাইক মাছ ধৰিবলৈ পঠাইছো, ঐ বায়েৰহঁতক খোৱাবলৈ। ঠিক আছে, আহো দে। किया नहीं सु, हाँ? माथे में लगाने को, हाँ? लाल बिंदी, ये लगा लो ना माँ, तू बहुत सुंदर लगेगी। और ये आईना, इसमें हमेशा देखती रहना अपना चेहरा। बाय द वे कहती है थोड़ी थोड़ी देर में आईना देखने से चेहरा सुंदर बना रहता है, और जब तू दर्पण देखेगी तुम्हें किसकी याद आएगी? पाखी की। आप कम से लांग देना বাবে কামাক মই জাকৈখন লৈ আনিছোঁ ৰ।
अपने हाथों से खाना खिलाओ पाखी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। अरे माँ, अब मैं उनके साथ मुंबई वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। आदम पलुयो पाखी, आदम पलुयो एने के नकय न होय तोर देउतार नाय सासुन तथापि हिहते आमा किमान भालके छाय एने के कब नपाय न होय। नहीं, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है बस। मोर कथा तो हुन पाखी, तय जेतिया डांगर हबि तेतिया मय तुक लय आहिम आरो मय तोर बिया पाति दिम। कयनार हाजत जे तय किमान धुनिया जनी लागिबि पाखी। शादी शादी सदानंद ठाकरे, मैं तेरी पाखी को यहाँ से ले जाने वाला हूँ जन्म जन्म के लिए, यहाँ से बहुत दूर। नहीं नहीं, तुम उसे लेके नहीं जा सकते हो। नहीं, अगर ये चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी सदानंद ठाकरे। नहीं सदानंद ठाकरे, नहीं, मैं उसे लेके जाऊंगा बहुत दूर। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। पाखी पाखी, मेरा नाम है नालियाकाई। कुही कुही कुही। ओ मेरा नाम है नालियाकाई, सारा दुनिया मेरा भाई, सर पर झप्पी पहनू मैं तो, आजा मेरी सवारी आई, आजा। भय न करी भी खून, भय न करी भी रे, ये हमारा नालियाकाई है। नालियाकाई, मुझसे मत डरो, मैं नहीं हूँ बकरे का गोश्त, मैं तो हूँ तुम्हारा दोस्त। अरे नालियाकाई, पुल स्टार पर रजी रजी, डोंट टच डोंट टच, वो वैक का शर्ट गंदा हो जाएगा। नालियाकाई, अच्छे से नहा के आओ ना पहले। अरे बुआरी, हम गांव के लोग हैं, ये धूल मिट्टी गोबर कीचड़ हमारे बंधु। हम शहर के लोग के जैसा नहीं है कि कहने को तो गोबर कीचड़ से दूर रहता है पर दिमाग में सब वही भरा रहता है। हाँ, बोलता नहीं है पर दिमाग में होता वही है। बुहारी, ये देखो हमारा स्टील का बॉडी, गंदगी टच भी नहीं कर सकता हम। अच्छा ठीक है, ठीक है, चल। अनन्या ना तेरे लिए एक गिफ्ट लाई है, गिफ्ट। तो आज 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 रात को तालाब के तट पे बैठ जाएंगे। क्यों? बोल, हम जैसे पहले मस्ती करते थे उसकी याद आती है क्या तुमको? चीयर्स। चीयर्स। पर पता है बड़े शहर का ना एक बड़ा प्रॉब्लम है। वहां पे कोई भी किसी को भी याद नहीं करता, टाइम नहीं है किसी को। वहां पे कंप्यूटर का डब्बा होता है ना, कंप्यूटर, उस डब्बे में सारे आदमी कह रहे हैं, सब लोग, चैन नहीं है। नहीं, सब भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। कभी कभी सोचता हूं नले का ही, मैं मुंबई गया ही क्यों, मुझे क्या चाहिए था? मां, देवता, I love them यार, I love them। खाना वही चाहिए जो जीभ को अच्छा लगे, रहना वही चाहिए जहां दिल को अच्छा लगे। सब जानता हूं रे, पहले हम लोग कितना खेलते थे, गाते थे, हंसते थे। पर अब हमारी वो जिंदगी नहीं रही नालियाकाई, अब हमारी लाइफ में ना ब्लड सर्कुलेट नहीं करता ना। अब पता क्या है,
EMI, वो ATM, ये दौड़ता है। तुझे पता है मैंने पिछले साल कार ली थी, उसका अभी तक लोन खत्म नहीं हुआ है, और आ गई अब घर लेने की बात शुरू हुई है। अरे छोड़ दे वो सब, वो शहर में छोड़ दे तेरा जो भी स्टेटस ईएमआई सब छोड़ दे। अभी इस रात को महसूस करो। पर नाले गए, पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है रे। कैसे आएगा मजा, क्यों जगह भी तो बदल गया है, तालाब भी सूख गया है। अच्छा पर तुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है मैं बताऊं? क्योंकि पहले जब तू बैठता था ना, तेरा तन मन इधर ही होता था, खुल के हंसता था। लेकिन आज तेरा तन इधर है और मन उधर माया नगरी में चक्कर काट रहा है। चक्कर हो क्या है, दौड़ रहा है घोड़े की तरह, टपाक 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 टपाक। मन बेहान करी समय और परिवेशर लगत आमि खोज मिला लगिब। आमि हिंदी शिकिम। मुंबई में ना टाइम का बड़ा प्रॉब्लम है, वहां पे किसी को किसी से मिलने की फुर्सत ही नहीं। हमारा फ्लैट थर्ड फ्लोर पे है 301, और हमारे बगल वाले फ्लैट में मेरी फ्रेंड रहती है जूही जुहू वाला, पर हम दोनों फेसबुक पे ही मिल पाते हैं। अरे आप लोग क्या समझोगे फेसबुक के बारे में, वहाँ मुंबई में मछली वालों के मोबाइल पे ना मछुआरा डांस का वीडियो चलता है। हाँ वही वही वाला। ऐसा है क्या? ओ भाभी मैं चलती हूँ, वो गाय को घास खिलाना है। नो प्लीज सिट फॉर सम टाइम, मैं स्पेशल मुंबई स्टाइल डिश बना रही हूँ। हनी पास्ता पोस्तो पास्ता ओ पास्ता पास्ता। ठीक है मैं यू गई और यू आई, आपका ये पोस्ता खाने जरूर आऊंगी। आहू दे जा जा आई भी गए। सुन 35 साल की हो गई होगी, बदन भी ढल गया है, अब कौन करेगा उससे शादी, उसको तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। मैंने भी पिछली बार पूछा था उससे, मगर उसकी सोच तो देखो, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। इसी वजह से अब हालत ऐसा है कि कोई पागल भी उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुंबई में तो एक दिन भी नहीं टिकेगा, यहाँ पे किसी के साथ तो चक्कर सलाई होगी। एक साथ जानी दुनिया निकवाने की, इसीलिए तो कोई उसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। माय गॉड मैं हिंदी हिकिम, मैं हिंदी सीखूंगा। कोई तुम चुपचाप रहो, नहीं तो माँ पीटेगा। अरे माँ चुपचाप नहीं, चुपचाप की कोई चुपचाप 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 चुपचाप। बहुत बढ़िया बुआरी। हाँ थोड़ा पानी देना। अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ। ये ऐसा ही है क्या? सिपसिपा गीला गीला ऐसा ही है। बहुत अच्छा, अच्छा है ना? बहुत अच्छा। थैंक यू। मुंबई में सब यही खाते हैं क्या? राजीव कोई भी ये खाते हैं? हाँ सबका पसंद है ये। What are you doing?
भूत जलोकिया मिक्स हो गया। मुंबई का पास्ता। पाखी 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 तू मुख भय खबर है सो। अरे तू क्या मेरे को तो वो भी नहीं डरा सकता कौन तुम्हारा वो यमराज कोटा से लेता है कहाँ थे कल से नालियाकाई को भूल गई ना ना नालियाकाई तुम मुझे कहने के बाहर हो ये तुम्हारे लिए मुरहुंजनी मैं इसका क्या करूंगा मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है साइकिया बाबू का सेवा करने और दोस्तों के साथ मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं कमाया मैंने क्या रखूंगा इसमें माँ कहती है तू बड़ा हो गया है तेरी शादी में लगेगा ढेर सारा पैसा इसमें आज से ही पैसा बचाना शुरू कर दे कितना बड़ा हो गया ना तू अब तेरे लिए दूल्हा ढूंढना पड़ेगा बढ़िया सा कैसा दूल्हा चाहिए बताओ तुमको नाक हो जिसका लंबा लंबा बड़ा बड़ा हो कान मेंढक जैसा दिल हो जिसका उल्लू जैसा ज्ञान मैं बात नहीं करूंगी नालिया का पाखी पाखी सुन पाखी बाही पेपा बाजे हर पल बाजे बिहू बिहू लागे मेरा मन गाय घूम घूम नासे मोही नाजो साजे छुप छुप लाजे मेरा मन गाय हो दिल में मेरे यारो की रिली बाज उठे बैली ती छुप गया पंछी बाहले सोले रंग मन गाए गीत हो हत भोनी सबकी प्रीत हो करते मौजा हो हैया हो दिने रति बस मौजा हो हैया हो हैया हैया हो हैया हो हैया हो हैया हैया हो हैया हो हैया हो हैया 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 जी मैं जो भी आया मैंने वो किया बुरा किसी का चाहा नहीं ना मैंने किसी का बुरा किया साथ जो भी चल दिया मैं उसी का हो लिया दो दुनिया चार रे दुनिया का व्यापार रे अरे अपना क्या है हम तो भैया करते मौजा राजीव हाँ? वो नलियाकाई कुही को अपने साथ लेकर जाता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता कल मैंने उससे कहा इफ ही वांट्स डेवलप हिज पर्सनालिटी एंड क्लास देन मुंबई इज बेस्ट प्लेस अंडरस्टैंड
तो वह नाच नाच के बोलने लगा, जरा हट के जरा बच के, यह मुंबई मेरी जान। फनु, अब समझ आया मुझे तुम्हारी बात। जब तक वो फेसबुक का अपडेट करना था ना, तब तक स्वीट स्वीट बातें चल रही थी, पर ये तुम्हारा असली चेहरा। तुम सचमुच अनन्य हो। तुम्हारे जैसा अन्य कोई नहीं। तुम खुद के घर में हो ना, इसलिए नहीं समझो। मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मैं सो रहा हूं। गवार। वो कथा सो की नल्याकाय भी कुही को गवार बनाने में लगा है। मुरहुंजुनी, पता है जब तुम्हारा डेटा छोटा था ना, तो मैं उसको भी ऐसे ही बैलगाड़ी में खेतों तक घुमाने ले जाता था, पता है? अच्छा। नलियाकार बोलो गुड़िया रानी। या फिर तो बहुत चीजें हमारे मुंबई में क्यों नहीं? क्योंकि मुंबई में इंसानों के लिए भी जगह कम पड़ रही है, तो पेड़ पौधों को जगह कहाँ से मिलेगी? क्यों? देख बेटा, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, अपने डेटा से पूछना, वो बताएगा। मगर एक बात है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, और हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और हम सांस नहीं ले पाएंगे तो लोग मर जाएंगे। पता है हमारे गांव में तो खूब सारी शुद्ध हवा है। और पता है सांस कैसे लेते हैं? पूरा लंबा सांस ऐसे पेट में भर लो। अभी समझ में आया कैसे सांस लेते हैं? नालियाकार, पता है मुंबई में हमारे बालकनी से बहुत बदबू आती है। क्यों? हमारा बिल्डिंग के पीछे ही तो एक गंदा गटर है। छी। कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों के लिए डिब्बों में खूब सारी शुद्ध हवा भर के भेजेंगे, फिर ठीक है, तुम्हें वहाँ शुद्ध हवा की कमी नहीं पड़ेगी। बजाओ ताली। शहरों में ना पेड़ की जगह इंटर आ गए। शुद्ध हवा नहीं है, हम अगर जाएंगे तो मर जाएंगे। नॉनसेंस, किसने से कहा ये सब? नलिया कहने ना, चल सो फटाफट, चल ये तो लगाऊं करंट। बोगी, बोगी, नालिया गए। बोगी, हाँ जल्दी लेके आ पाखी को, जाने वाले हैं वो लोग, चलो। अरे सासु नालिया गए, ए मजवा कर ले, पड़ा बुझाया तो टाई की बन आजाओ नजाओ कुड़िया से। क्यों, क्या हुआ? पाखी तो ये टेंशन न लो भी, बोगी मुर्भो नहीं है, और मैं देखभाल करूंगा ना उसकी। सुन तो जा, चल तैयार हो और हंस के दिखा, शाबाश, हंसना। शाबाश। और सुन, तुम्हारी शादी के लिए पैसा भी तो इकट्ठा करना है, 27 रुपए हो भी गया, चलो 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 चलो। बोल उला। आको आही बा दे मु कुंजनी। अच्छा चलो चलो चलो, को को बोलो। भाल के थकी मुंबई आही बा। होबो होबो। अच्छा चलो चलो, मम्मी के साथ जाके बैठ जाओ पिछली सीट पे। माँ देता
आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और जो पीछे की जो बाड़ी का पेड़ है ना उसे काट के एक नया चाय का बगान में बनाना। हो वो बहुत चिंता कोई बन लगे जा हल्के सभी दे नलिया नले काय। अरे कहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, दिखाई नहीं सुबह से। बैठो बैठो चलो। करें तुम्हारा बस वो थोड़ा हम जल्दी करो, बस निकल जाएगी, जल्दी करो। कुही मुरहुंजुनी माँ की चिंता मत करना। थैंक यू। रुको बुआरी, अच्छा तो लगा ना? बहुत बहुत, मतलब कि बहुत 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 अच्छा लगा। फिर आना, चलते हैं। पहले जो एक दूसरा लड़का पेपर डालता था वो कहाँ गया? पता नहीं बेटा, दो हफ्ते से आया नहीं वो। ठीक है। हे भगवान, अजीब लड़के नींद में चबा रही है। पाखी, 10 दिन माँ
के साथ रहकर बिगड़ गई ना। सोना ही सोना। Now cut these mangoes quickly and give to Kuhi. देता जी क्या है? इसको मैंगो सीड बोलते हैं बेटू। सीड मतलब बीज। हाँ बेटू, बीज। जो ये बीज होता है ना, इसको अगर जमीन में गाड़ दो और खूब सारा पानी डालो तो एक दिन मैंगो का बहुत बड़ा पेड़ बनता है। उसमें यमी यमी मैंगोज बनते हैं। सच्ची देता? हाँ बेटू। ये है एक बीज, देखो जरा ध्यान से कुही, इसको धान कहते हैं। धान क्या होता है? इसको मिट्टी में लगाओ, खूब सारा पानी फिर डालो, खिलेगा एक पौधा सुंदर, चावल होगा जिसके अंदर। बीज लगाओ खिलेंगे फूल, बीज लगाओ मिलेंगे फल, यही प्रकृति है और यही जीवन है। बीज बीज बीज। पेड़ बहुत बड़ा होता है, अपने फ्लैट में नहीं लग सकता। नहीं मुझे लगाना है, मुझे लगाना है। मुझे ही डांटी। मुझे आम का पेड़ लगाना है। जिद करना गंदी बात। मुझे मुझे लगाना है, मुझे लगाना है। चलो कैसे लगाए इसको? कैसे? पाखी की करिसो? कोई मेरा बच्चू, आजा मेरा बेटा। कैसा मेरा बच्चा? आपको पता है हमने आम का बीज लगाया, हम बच जाएंगे ना। आम का बीज लगाया? वाओ, हाँ बेटू, अब हम बच भी जाएंगे और आम भी खाएंगे, गुजु गुजु। पर ये बताओ, ये आम का बीज लगाने के लिए मिट्टी कहाँ से आई? हाँ वो हम लोग नीचे गए थे ना, हाँ? तभी लाया। तू कुही को लेके नीचे गई थी, मना किया था ना? राजीव कितनी बार तुमको समझाया है कि वो संगीता बाई को एक फुल डे के लिए रखा करो, इतना भरोसा करना ठीक नहीं। क्या कह रही हो अनन्या, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ऑल द टाइम वो कुड़ 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 कुड़। बस बच्चों ने ठीक है तो किया, इन सब मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखो, समझी? बाकी भाई दियो ठीक है कोई से, कुही को नीचे क्यों ले गई? आजीव पूरा नौकरी भी पॉम रखते हैं इसका नाम। पॉम। कुही डार्लिंग। फिर से। कुही। चलो उठो यहाँ से, उठो। चलो। ओके, नो प्रॉब्लम। यू कैन सर्टेनली अप्लाई फॉर योर डॉटर। By the way, I think you must be knowing our school's terms and conditions. I'm not so sure. What do you mean? Meaning, parents ka graduate hona zaruri hai. This is mandatory. Sir, Principal, we both graduates. Me project director, he MBA, so no problem. Tumhe ketiya MBA korila hai? Moihe big news to janai na silo. Kile, ikon, ikon, mani kisa kon?
डुप्लीकेट ये डाल, ज़ेरॉक्स कॉपी सर्टिफिकेट। सर नो नो, सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड बट यस यू विल हैव टू मेक सम टाइप ऑफ डोनेशन। 2 लाख का डोनेशन कहां से पे करेंगे? अरे बैंक से एजुकेशन लोन मिलता है बाबा। यानी कि एक और ईएमआई पे करते रहो? बच्चे के लिए सब करना पड़ता है राजीव। अच्छा, तभी तुम वहां पे बैठ के फटाफट झूठ बोलती जा रही। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे झूठ बोलती हो यार? हाँ, आजकल झूठ बोले बगैर काम चलता है क्या? तुम सत्यवान हो ना, इसलिए धूप में उड़ जाएगा कह के अपनी कार में 500 से ज्यादा पेट्रोल भरवाया है। मैं जैसा हूँ ना ठीक हूँ। पता है पता है। चीटी, तू हमारे पॉम को खाएगा? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं राक्षस हूँ, मैं अपने पॉम को नहीं खाने दूंगा, मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बुरी चोर की बारिश आ रही है बेटी। जब पॉम बड़ा हो जाएगा तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसको हम कहाँ ले जाएंगे? हाँ, उसको हम अपने कोका के घर ले जाएंगे, आसाम में। वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से बड़ा हो जाएगा। यहाँ नहीं बड़ा हो सकता। यहाँ कहाँ जगह बेटू? यहाँ तो सिर्फ बिल्डिंग से बिल्डिंग है। यहाँ पे हमने उसको कई गार्ड भी दिया ना, तो कोई ना कोई जरूर उसको चुरा के ले जाएगा। कितनी बारिश हो रही है, चल के बारिश में भीगते हैं। चलो 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 चलो। सारी उफाले भाईया है, सारी उफाले उला होते। जो मेघों से बूंदे कुदरत का जादू छाया, पानी ने जैसे बांधी हो पायल, प्यासा हर कण कण गाया। रे आ कुछ गुनगुना की तो भरा प्यारा सा है ये जहां। रे आ तू भी सुना, ए हुम हुम गाए हवा गाए जो आसमां। चोरे हे या खुशी बटोरे हे या खुल के जिया रे जैसा अपना शिया होगा ऐसा ये जहां। तू पे हो रे पानी बोरो खिले है, पीली पीली धूप है, सात रंगों का देखो अद्भुत रूप है। तू भी सुना बरसों से क्या कह रहा है ये समारे। तू भी खोज जा इस सदी सदी मिट्टी बिछा तारे सजा के झूमरे राजो खुशी बटोरे। Yeah.
जैसा अपना शिया होगा ऐसा ये जहां। चलो पॉम के साथ खेलने चले। नहीं, मुझे माँ के आईपैड के साथ खेलना है। हाय रॉन, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू नहीं है, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ। आ जाओ, जल्दी खोलो। व्हाट, तुम यहाँ हो? ओ दीदी, तू तो एकदम से बदल गया रे। आमिर खान जैसा हेयर स्टाइल जावेद हबीब से करवाया क्या? बॉडी का बिल्डिंग भी अच्छा है, सिक्स पैक हो गया है क्या तेरा? आजा 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 अंदर। क्या दीदी, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारना है, थोड़ा बहुत तो स्टाइल मारना पड़ता है और सिक्स पैक एब्स भी बनाना पड़ता है। ये ले लेना। लेना। कोई कितना बड़ा हो गया, आ जाओ मेरे पास। चॉकलेट नहीं लाए? कोई बेटा, मैंने तुझको बोला था ना, कोई घर आता है चॉकलेट नहीं मांगते। सॉरी माँ। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कल पक्का चॉकलेट लाऊंगा। ओके। अरे रोन जी, चू जी। किसा? All good, अभी आया क्या? मुझे बोल दिया होता, मैं आके ले जाता तुझे। अरे आपको क्या तकलीफ देना, कूल कैब है ना, वो आ गया। वैसे all is well जीजू जी। कोर्स, सब कुछ ठीक है। और तेरा वो फोटोग्राफी कोर्स? फोटोग्राफी कोर्स is going झक्का, बस खत्म ही होने वाला है। उसके बाद तो मुंबई में काम करोगे तुम? ऑफर्स तो अभी से आ रहे हैं, बट सोच रहा हूँ एक साल बॉलीवुड के बदले हॉलीवुड चला जाऊं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, पिताजी तो इतने अमीर आदमी है, तो एक साल क्या, 10 साल खींच लेंगे। सुनना दीदी, मुझे एक इम्पोर्टेंट मेल चेक करना है। हाँ तो जा ना, कंप्यूटर है अंदर, जा जा जा, सीधा जा अंदर कमरे में, मिलते हैं। जाओ जाओ जाओ। तुम्हारा भाई। आये लेखा बोलो। बेटू सो जा, सो जा, यहीं पे सो जा। नहीं नहीं बेटा, मुझे बेडरूम में सोना है। बेटू वहाँ पे ना तुम्हारे रॉन मामू है ना, वो तुम्हारी माँ के साथ बात कर रहे हैं, हम अंदर जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। कल से मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। अपना तो फंडा है, 2 packs इन नाइट, 1/2 pack इन डे, कीप्स डॉक्टर अवे। वैसे ना ड्रिंक पीने से ना जोश आता है, ऐसा लगता है कि मैंने भी कुछ किया है, मैं भी कुछ हूँ। और सबसे बड़ी बात, ड्रिंक पीने से इंग्लिश ऐसे इंप्रूव हो जाती है जैसे व्हाट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो दैट आई नोइंग रॉन, दैट आई नोइंग, बट ड्रिंकिंग ना वेस्टेज ऑफ मनी रे। क्या दीदी, डोंट लाफ रॉन, वी वांट मनी, घर खरीदना है। जैसे वो 3 BHK का फ्लैट मिलेगा ना, मैं अपना बॉस और उस थकेला जॉब को जोर से लात मारूंगा।
पहले मैं क्या थी? बीहू डांसर और हीरोइन बनने के लिए बाहुरल के वहां उधर ड्रामा सीखने गई। जानू बरवा के ऑफिस में चक्कर लगाया, विश्वजीत से मिला, सब बेकार। फिर तो तू जानता है मेरे पिताजी यही शराब पी के रोज घर में तमाशा। दुख लगता है कभी भाई उनमें कैसे बड़े हुए मुश्किल में। फिर राजीव मेरी जिंदगी में आया, मैं मौसी के घर गई थी। मौसी मुझे भावना दिखाने ले गई, वहां राजीव मुझे लाइन मार रहा था। फिर तो तू जानता है राजीव से शादी के बाद लाइफ मिडिल क्लास बन के रह गया। दीदी मेरी बात सुनना, अपना कोही कितना क्यूट है, तू उसको एडवर्टाइजिंग नाइट में क्यों नहीं डालती? देख एक बार वो चाइल्ड मॉडल हो जाएगी तो तू माला माल हो जाएगी। और एक बात सुन, एक काम कर, एक फोटो सेशन कर और भेज दे सारे एड एजेंसी को। वैसे मेरा बड़े बड़े लोगों से पहचान है। फोटो सेशन कौन करेगा? दीदी मैंने 90,000 का फोटो कैमरा क्या बजाने के लिए खरीदा है क्या? मैं करूंगा उसका फोटो सेशन और भेज दूंगा सारे डायरेक्टरों के पास। दीदी सुन, अगर किसी ने ना बोल दिया तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट की डिग्री को लात मार के चाय बागान में काम करूंगा, देखना। अनु, do you know what time it is? तू अंदर दारू पी के उस नमूने के साथ बकबक करती आ रही और यहाँ पर कोई सुनो, get him out of my bedroom right now. Get that idiot out of my bedroom right now. तुम्हें मेरा गुस्सा पता है? Ron, I'm not full tight. दीदी, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सो रही हूँ। दीदी दो पैग में फुल टाइम। नहीं 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 नहीं, बस बस, हाँ मैं नहीं पी सकती हूँ और हाँ बस बस, ये लेके तू बाहर जाना, तू जाके सो जाना उस कमरे में बस। दीदी भी ना तीन पैग में फुल टाइट हो जा। अरे जीजू अभी तक सोए नहीं? नहीं जी सो गया हूँ, पर मुझे नींद में चलने की बीमारी है। पागल करके छोड़ोगी मुझे एक दिन? अरे पियो, खूब पियो, अपनी बच्ची को भी यही सिखाओ, बड़े होके ये भी खूब पिएगी। राजीव सॉरी। राजीव क्या है? ड्रामा क्वीन, ड्रामा मास्टर, छोड़ो। सॉरी, मुझे नींबू पानी दे दो ना, हेल्प मी प्लीज। बदतमीजी नहीं, ओके? अभी जो रॉन मामू कहेंगे वो ही करना। ठीक है आ जाओ। स्माइल, हाँ हाँ, वाव, कोई ये वाला वापस है, स्माइल करके। माँ बारिश आ रही है। हाँ पता है बेटा, लेकिन दो मिनट बस, मस्तीबाजी नहीं, रॉन मामू को देखो, स्माइल। हे सैंडी, दिस इज रॉन। यस्टरडे आई स्पोक टू यू अबाउट द चाइल्ड आर्टिस्ट, रिमेम्बर? या कोई कोई, हाँ हाँ हाँ, या आई हैव द फोटोग्राफ्स। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। यस,
मैंने बोला था ना कुही के बारे में, एक बार फोटोग्राफ जाने दे कुही के सबके पास, देन कुही स्टार मॉडल बन जाएगी और वैसे भी तेरे जितने प्रॉब्लम्स हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। फिल्म्स का लोग है। ए स्मारी, कोई हाई फाई सा बंदा होगा, ये तो पूरा उल्लू निकला। एक ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, सेम टू सेम। हां, लव यू भाई। हे, आई एम रॉन। हाय, हाउ आर यू? गुड। शी इज माय कजिन सिस्टर। हाय। हेलो। एंड ये उनकी बेटी कुही। मम्मी है तो बड़ी सेक्सी। अच्छा, बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज कुही। I know acting very well. Wow, perfect. ये उसके photographs. Hey, Smarty, thank you. Love you, bye. ये किस गधे से photo session करवाया आपने? Actually वो Ron ने ही खींचा है. Friendly way में, not professionally. वो ट्रेनिंग कर रहा है पुणे फिल्मोग्राफी फिल्म इंस्टीट्यूट में। देन ही इज गोइंग हॉलीवुड। ओके ओके ओके। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। वैसे फोटोग्राफ्स ठीक हैं, पर थोड़ा सा ग्लैमर होना चाहिए था। हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। थैंक यू वेरी मच। वैसे हॉलीवुड से तो मुझे भी कॉल आया था, स्पीलबर्ग के ऑफिस से। ओह माय गॉड। पर कटरीना, बिपाशा, लारा, जॉन अब्राहम सब बोले मत जा यार, यहीं पे रह के फिल्म बना। आप इन सब स्टार से मिले हैं? मिलाऊं क्या मतलब? अरे मैंने इनकी कितनी कास्टिंग करवाई है, मेरे सामने स्ट्रगल करते करते कितने आगे चले गए ये लोग, और आप फटी हुई जीन्स पहने यहीं रह गए। अच्छा मैडम, मैं फोटोग्राफ्स लेके जाता हूँ, ऑडिशन पे बुलाऊंगा। जी, पर मैडम बच्ची को थोड़ा स्मार्ट बनाइएगा। हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, टफ कंपटीशन होता है। ओके ओके, आप लोग अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लीजिए। हाँ दीजिए। 98 200। ओके, हाँ चलिए। हे मणि, बिल। अरे नो नो नो, पे कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलो। कुही, कुही, चलो पॉम को पानी देने जाते हैं। नहीं, मुझे 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 पॉम को पानी नहीं देना है, मुझे टीवी देखना है। कुही बेटा, अब टीवी बसा। हाय कुही। देखो एड, पता है ना एड अभी देखा था आप टीवी में? अभी रॉन मामू ना आपको समझाएंगे कैसे एड में ऑडिशन देना पड़ता है। हाँ, मान लो तुमको बोलना है हाय हाय, हेलो हेलो, मैं पीता हूँ हेल ड्रिंक, हेलो लो अब तुम भी पी लो। इसको कैसे बोलोगी मुझे देखो? हाय हाय, हेलो हेलो, मैं पीती हूँ हेल ड्रिंक, हेलो अब लो तुम भी पी लो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अनु, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा बच्चा जाकर ये टीवी, ये फिल्म्स, ये एड्स के चक्कर में पड़े। उसका बचपन उससे मत छीनो अनु। अरे अरे, कितने सारे बच्चे टीवी सीरियल्स, एड्स, रियलिटी शोज में भी काम करते हैं। उनके पेरेंट्स क्या बेवकूफ हैं जो उनको अलाउ करते हैं? फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं औरों जैसा नहीं हूँ।
और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा छोटा सा बच्चा छोटी सी उम्र में जाके ये काम करके पैसे कमाए। हाँ, तुम चाहते हो कि वो घर में बैठे और पूरा दिन दिन भर घर में मस्ती करे और सड़े हुए आम के पेड़ के साथ खेले, बाकी के साथ खेले। सोचो, अगर वो मॉडल बन जाएगी तो हम भी फेमस हो जाएंगे। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, यू नो, माँ बाप जो जिंदगी में खुद नहीं कर सकते ना, वो चाहते उनका बच्चा करके दिखाए। क्या हो रहा है अंदर? यही प्रॉब्लम है। कुछ नहीं। आई नो, ये सारा गन तुम्हारे दिमाग में किसने डाला है? तुम्हारे उस उल्लू के पट्टे भाई ने डाला है। अरे बांध दिया। वो कब जा रहा है? कब जा रहा है वो अनन्या? क्यों, मेरा भाई है, जब उसकी मर्जी होगा जाएगा। ठीक है, कल तक नहीं जाता है ना? अगर कल तक वो नहीं जाता है ना तो मैं चला जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, वो कल तक चला जाएगा। बेटा कंप्यूटर ऑन कर दो, मुझे खेलना है। बेटा कुही, अभी हम लोग सोएंगे ना, पहले जाके पॉम को गुड नाइट बोले। नहीं, मुझे खेलना है। कुही, मुझे खेलना है। नहीं, मुझे खेलना है। हे रिक, ये ले और सवेरे जल्दी उठ के सब काम कर दिया कर, समझी ना? चलिए भैया। एक वड़ा पाव। हाँ। भैया ये क्या लिखा है? धंधे के टाइम में अखबार नहीं पड़ता, चल इधर से, हवा आने दे। नहीं सर, वो क्या है कि अभी तक बच्चा नहीं मिला ना सर। हाँ जी, हाँ जी सर, क्या है कि मुझे फ्रेश फेस चाहिए सर, नया। उसकी आंखों में शरारत होनी चाहिए और शक्ल से शराफत टपकनी चाहिए ना सर। यस सर, जैसे 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 ही लड़का फाइनल हो जाता है मैं शूटिंग शेड्यूल बना लूंगा सर। अभी बंद करना। अबे मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? सब एड़ा बन के पेड़ा खाते रहते हो यहाँ। मस्ती करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, एक तंतना तो बच्चा नहीं मिल सकता है तुम लोगों को। वहाँ कंपनी मुझे बाबू देती जा रही है, टेंशन में मेरे ऊपर से नीचे तक बाल पकते जा रहे हैं। कमा लेंगे लोग। अबे ओ गधे, मुझे क्या देख रहा है? कुछ दिखाने के लिए है तो दिखा, वरना ऑल ऑफ यू गेट आउट। है ना सर? अरे मेरे बाप, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब पुरानी शक्लें हैं। फ्रेश चाहिए, फ्रेश। फ्रेश समझ में आता है? आता है सर। क्या आता है, कहाँ आता है? मैं दिखाता हूँ सर, एक मिनट। एक मिनट, चार हफ्ते हो गए एक फ्रेश फेस। सर ये कुछ फोटोज हैं। अबे इसे कहाँ घुसा के रखा हुआ था? देखा कैसे एक मिनट में तुम्हारी बेटी की कास्टिंग करवा दी मैंने। इस एड के रिलीज होने के बाद देखना, बड़ा स्टार चाइल्ड मॉडल बन जाएगी कोई। करम माय फ्रेंड, बोल ना यार, मैं लाइफ में लग गई। क्या हुआ? लग गई। पता
मुझे आजकल लगता है जैसे अनन्या मेरे लिए बनी ही नहीं। बस शादी क्यों की थी फिर उससे? यार उसको ना एक बिहू फंक्शन में देखा, देखते ही लगा जैसे सुरक्षा अप्सरा उतर के आ गई। एकदम उसको घुमाने ले गया तो मैंने उसको मजाक में पूछा, पति कैसा चाहिए तुम्हें? बहुत सारी डिमांड्स है ना तुम्हारी, हाँ? तो तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? क्या कहा? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? अरे बाप रे! I loved her innocence, यार। पर अब क्या लगते हैं पता है? उसके स्वभाव और मेरे स्वभाव में ना पूरा पश्चिम का फर्क है। You just can't predict it, यार। हमेशा एक बनावटी नकली दुनिया में रहती है। एक झूठ को कवर करने के लिए ना 100 झूठ बोलती है दैट लेडी। विच लेडी? अरे अनन्या यार। ओ क्या यार, पता उसने मेरी छोटी सी 4 साल की बच्ची को स्कूल भेज दिया। हाँ अरे अच्छा क्या, भाभी ने उसको स्कूल भेज दिया? पता है कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को घर पे संभालना? अरे कंपटीशन का जमाना है, बच्ची तैयार हो जाएगी यार। अरे सर तो कंपटीशन में डालना है क्यों उस बच्चे को इस उम्र में? मैं तुझे बता रहा हूँ ऐसे ही चलता रहना करण, मैं सब फिनिश कर दूंगा। नहीं नहीं खत्म कर दूंगा, डिवोर्स कर दूंगा। अरे पागल हो गए क्या तू? डिवोर्स कर दूंगा। अरे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये डिवोर्स नहीं होता। सच सुनेगा तू? तू सच सुनना चाहता है? मेरी बीवी, दो दो बच्चे हमारे, दो दो, फिर भी किसी स्ट्रेंजर के साथ अफेयर चल रहा है उसका। अफेयर चल रहा है उसका? और ये सब ये आजकल औरतों की सुनते हैं यार, हमारी कोई नहीं सुनता। डिवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन। तू दारू पी यार। नहीं चेंज आएगा, जरूर आएगा, देखना एक दिन वो पेड़ पौधे लगाएगी। यू वेट एंड यू सी। Wrong or right? Come on, I close up, baby. Don't you want me to bite?
बीसी और पीले इस पल में और चीले सोचेंगे कल को क्या है लाइफ वो क्या है अपनी फीलिंग डीजे ड्रॉप द बीट एंड स्टॉप दिस बार इज गेटिंग हॉट मामा शेक योर थिंग द बॉयज आर ट्रिपिंग हिप हॉप हॉप Zara, let's play, cause this night won't stay And I wanna say, yes I wanna say Cause I wanna say, yeah, yeah, yeah We go party, 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 party Every day, every day We go party, 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 party Every day, every day Everybody party मैंने बोला ना एक्टिंग के समय रोना नहीं नाउ लिसन इफ आई विल लूज माय टेंपर आई विल बीट यू धपा धप देखिए मिस्टर खान गवर्नमेंट पेड़ लगाओ जान बचाओ कैंपेन शुरू करने जा रही है यू मीन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम यस वैसे भी दुनिया में पेड़ पौधों की बहुत कमी हो गई है और मैं भी एस्थमा पेशेंट बनते बनते 3 बार बच गया सर वी आर गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग 6-8 कैंपेन्स वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च करेंगे रियली अजी एनवायरनमेंट की बात सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन सा हो गया है और लोकेशन भी सामने नजर आ रही है मुझे स्विट्जरलैंड नो नो मिस्टर खान अननेसेसरली स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है वी डोंट हैव दैट मच बजट नो ओके देन बोरिवली नेशनल पार्क मिस्टर कुंडा आप जल्दी से बजट बना लीजिए डायरेक्टर साहब तो फिर ऐसा किक्का सा आइडिया निकाल कर लाइए कि लोग देखते ही फटाफट पेड़ लगाने लग जाएं। अजी की खास आइडिया तो मैं 1000 ला दूं। लेकिन बात यह है सर बजट आपका बहुत लो है गवर्नमेंट का काम है ना कहीं कोई एक एंगल से कोई पेड़ से कोई एक पत्ते से सियासत की बू आ गई ना तो रीशूट करना पड़ जाता है अब देखिए ना एक 0 ऐड कर दीजिए ना नो 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 सवाल ही नहीं उठता नहीं ठीक है सर हम ये एड कैंपेन जरूर करेंगे This is my resignation letter. Yeah. I don't need this job now. Thank you very much. देखो
इस फिल्म का बजट बहुत कम है, लेकिन हम इस फिल्म को ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि हमने मोस्ट एक्सपेंसिव एड फिल्म बनाई है। जी सर। अब हमें सिर्फ एक अच्छा नन्ना सा मुन्ना सा ब्यूटीफुल सा प्लांट चाहिए, क्योंकि ये प्लांट हमारी एड फिल्म की जान होगा। इसलिए एक हरी भरी पत्तियों वाला प्लांट ढूंढो। डोंट वरी सर, हो जाएगा। गुड। अब वो बच्ची का क्या हुआ? यू टेल मिस्टर खान, कुही इज स्पेशल, शी इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाइल्ड आर्टिस्ट, शी इज नाउ स्टार, 1 लाख पर डे, नॉट अ पेनी लेस। मैम एक फ्रेंडली एडवाइस देता हूँ। देखिए मैम, ये ज्यादा एटीट्यूड अच्छी बात नहीं होती है। बड़े बड़े स्टार्स एटीट्यूड की वजह से मारे गए हैं। इंडस्ट्री में एटीट्यूड चलता नहीं है। अरे अंकल जी, याद कीजिए, फटी हुई जीन्स पहने आप कितना एटीट्यूड दिखाते थे, हाँ? रॉन की फोटोग्राफी देखकर आपने उसे गधा कहा था। अब अगर मैं आपको गधा कहूँ तो, जो मेरे सामने पूछे लाते खड़ा है? और सॉरी टू से, पर लड़कियों और औरतों को सेट पे वल्गर जोक सुनाने के सिवा आपको कुछ नहीं आता सैंडी जी। अब अनन्या, अब आप पर्सनल हो रही हैं। चलो काम की बात करते हैं। लिसन लिसन सैंडी, 80,000 फाइनल, मेकअप एंड वैन एक्स्ट्रा, एंड यू विल पे ड्राइवर एंड बॉय, एंड नो वल्गर जोक्स ऑन सेट। थिंक एंड टेल मी। अनन्या, कुंडा सर, कोई को मारो लात, मैं आपको नई लड़की की फोटो लाके दिखाता हूँ। इसकी माँ को उसकी औकात दिखा के रहूंगा मैं। येड़ा हो गया सेंटी, मिनिस्ट्री से पास हुआ कोई का चेहरा, कैसे चलेगी दूसरी लड़की? जितना मांगती दे एड़ी को। हेलो अनन्या मैम, डन बाय। Welcome to the morning prime time. Let's clean the city today on the eve of World Environment Day. Let's come out and do our bit in making the city dirt free. Just imagine, each one of you coming out and planting a single tree would make such a huge contribution towards the environment we are living in. Let's make this city clean and green. Save trees, save life. And also students of various colleges are cleaning the famous Jewel Beach, Girgaon Chowpatty. Kuhi. बेटू क्या बात है, आजकल ना रीता के साथ खेलती हो ना पॉम के साथ बातें करती हो, क्या हुआ? रीता मैं गेम खेल रही हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। आज तुम्हें पता क्या है? हा? नहीं पापा। आज है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज हम पता क्या करने वाले हैं? नो पापा। कोई का पॉम है ना, अब वो बड़ा हो गया, पर उसके साथी सारे जंगल में रहते हैं, इसलिए आज कुही और देता कार में पॉम को लेके जाएंगे बोरीवली नेशनल पार्क, और उसको उसके सारे दोस्तों के साथ छोड़ के आएंगे। चलेंगे ना? बुल्ला मैं भी जाऊंगी। पाखी भी जाएगी, कुही भी जाएगी, देता भी जाएगा, हम सब जाएंगे। कुही तू यहाँ क्या कर रही है? चलो जल्दी तैयार हो, आज शूटिंग है ना? नहीं, आज हम सब बोरीवली नेशनल पार्क जाएंगे। वहाँ कहाँ लेके जा रहे हो बेटा? वहां पे शेर निकल आता है, वैसे भी आज कोई का शूटिंग है। शूटिंग? शूटिंग ऑल द टाइम, शूटिंग, हर समय यही सुन रहा हूं मैं। क्या मेरा उस पे कोई अधिकार नहीं है अनु? पागल हो गए हो क्या राजीव? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने उनके साथ, अगर कोई थोड़ा सा भी देर से पहुंचेगा ना तो हर मिनट का पैसा काटेंगे। कोई चलो बाथरूम चलो मेरे साथ, चलो उठो। सारी लड़ाई की जड़ तू ही, इस लड़ाई की सारी वजह। हाँ, ले सब, ले सब, ले सब, ले। बुल्दा, गुस्सा मत करो, मैं इसे कहीं और लेके जाता हूँ। उठाओ इसको, इस लड़ाई की वजह को, निकल जा, चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, चल जा। चल
अरे उतर दे। ए लड़की रुक, क्या कर रहा है उधर, क्या चला रही है तू? रुक 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 रुक, कहां भाग रहे हैं? रुक रुक, ये हरा भरा प्लान है क्या तेरी? तो गुस्सा मत करो सर। सीड, ए व्हाई इज गेटिंग डिलेड? लिसन, मेरा कुही किसी काटे वाला प्लांट को टच नहीं करेगा, अंडरस्टैंड? यस मैडम। 10 मिनट में अगर वो हरा भरा प्लांट नहीं लेके आए ना, बांबू लेके तुम लोगों की दुनिया में। जी सर। छोड़ दूंगा, आजा बैठ जा पीछे, चल चल चले। पौधा है ये? अबे भूतियों, पौधा नहीं मिला तो गटर में जाकर डूब जाना चाहिए था। तुम लोगों के पिछवाड़े पे मार के खाली बात भेज दूंगा मैं, समझे? तू एक काम कर, तू इधर ही रुक और खाना खा लेना, ठीक है? क्या है? आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो मुझे? हैं? सर। हाँ, खड़े होके तुम लोग। प्लांट। हाँ? हाँ? अरे वाह! अरे इसे कहते हैं प्लांट। भूतियों देखो, जरा देखो, लगता है किसी ने अपना दिल देके उगाया है ये। वाह! मगर ये गमला बहुत सड़ियल है। आर्ट डायरेक्टर से एक नए गमले में वार्ली पेंटिंग बनवाओ और उसमें लगाओ। जा। किसने फेंका ये? किसने? कौन फेंका? किसने फेंका? वने रे, किसने फेंका? कोई नहीं। हेलो मिस्टर, क्या आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और हमारे खान साहब, जो हॉलीवुड बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो एड कैंपेन बना रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा, हर आदमी, हर बच्चा ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगाना शुरू कर देगा। और फिर सॉरी, ये खाने का टाइम है क्या? अरे कौन भेज रहा है इसको? चल भाग यहाँ से। कोई भी टाइम आया था खाना खाने के लिए, खाना खाना खाना। समोसा पाव खाओगे? बेटा बेटा बेटा, ये हमारा पॉम नहीं है। हाँ सुनो, ये तो कोई दूसरा प्लांट है। हमारा पॉम घर में आराम कर रहा है। सिड। यस मैम। चल। या शो। चांदी जैसी रोशनी थी मेरी सी क्यों हुई।
शीशे जैसे ये नदी थी, अब ये पहले सी क्यों नहीं। ऐसा ये जहां, ऐसा ये जहां। समझ ये समझ न पाए, तेरा मेरा ना है ये जहां। सदियों से चलता आया है ये, रहेगा ये हमेशा यहां। हो चलता जा, चलता जा, चलता जा, सांसें से जीवन में ढलता जा। संग मौसम के तू रंग बदलता जा, बदले रुकना नहीं झुकना नहीं, चलता ही जा तू बदले। औरों को दे तू जिंदगी, फलता ही जा तू, रह जाएगा यहाँ बस तेरा ही निशाने बदले। पंछियों के आशियाने पहले जितने, अब क्यों नहीं। डालियों के शमियाने गहरे उतने, अब क्यों नहीं। चलता जा, चलता जा, चलता जा, ये सांसें से जीवन में ढलता जा। बन के शाखे तू और निकलता जा, रुकना नहीं झुकना नहीं, चलता ही जा तू रे बंदे। औरों को दे तू रोशनी, चलता ही जा तू, रह जाएगा यहाँ बस तेरा ही निशान। This is a world that he made, no we failed it. Look at everything and how we changed it. Mujhe to saans nahi aati, there is so much pollution. Kuch na kuch to karna hoga, gotta find a solution. If you don't act now, I'm telling you we'll waste it. So much smog in the air that I can taste it. Global warming and a hole in the sky. Do you really wanna live or do you wanna die? What have we done to this world that we're living in? Too much taking and there's no one giving in. How will we survive? Save trees, save life. Aisi zindagi, aisa ye jahan, aisa ye jahan. Is this a world that God created? Aisa ye jahan. No, 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 we failed it. Aisa ye jahan. Wake up, wake up, wake up, wake up, we gonna die. Aisa ye jahan. Save trees, save life.
तेरे लिए यही जगह ठीक है। अगर मैं तुझे यहाँ से कहीं और ले गई तो ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी, मुझे पता है। तुझ में इतनी ताकत है मेरे दोस्त कि तू यही अपनी जड़ें जमा लेगा और एक दिन बड़ा होके अपनी छाव, शीतल हवा और मीठे फलों से दुनिया को अपने होने का एहसास दिलाएगा। मौसम बीते, रंग बदले और उसी जगह पर पोम ने अपना वजूद बना लिया। राजीव ने आंसू पोंछे और निकल पड़ा पाखी को ढूंढने। काफी ढूंढने के बाद राजीव को पाखी मिली, पर पाखी को ना मिला उसके सपनों का राजकुमार। सपनों में रहने वाली पाखी अभी भी सपनों में ही अपनी खुशियां ढूंढती है, और हमारी मैडम अनन्या वो अब भी वैसी ही है। पर हाँ, अब वो राजीव की फीलिंग्स को धीरे धीरे समझने लगी है। अभी वो कुही की शूटिंग से ज्यादा उसकी पढ़ाई में ध्यान देती है, इसी बहाने खुद भी थोड़ी और इंग्लिश सीख लेती है। राजीव के माँ देवता अभी हिंदी बोल सकते हैं, बस थोड़ी श और स में चूक हो जाती है। नालिया काई की सब ने मिलकर शादी करवाई। वो और उसके ससुर ने मिलकर एक आम का बगीचा खोला है, और राजीव उसका दिल तो अब भी उसके गांव में ही बसा है। हर साल माँ देवता को मिलने के लिए जाता है। वो याद करता है नालिया काई के साथ बीते हुए कुछ पल, कुछ लम्हे। एक छोटे से पॉम ने राजीव के टूटे हुए परिवार को एक डोर से बांध कर ये एहसास दिलाया कि अपने गांव वापस जाने के बदले अगर इन्हीं इमारतों से भरे हुए इस सौतेले शहर को पेड़ पौधों से हरे भरे शहर में बदल कर इसे बनाए अपने सपनों का आशियां, और जैसा अपना आशियां होगा ऐसा ये जहां। We'll be right back.